एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, पतले हल्के बाल हैं आपके, अगर आप हाई बन बनाते हो तो बन तो काफ़ी अच्छा दिखता है बट चारों तरफ से फ्लैट लुक दिखता है, तो पतले हल्के बालों में ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ईजिली आप बना लोगे। तो मैं सेल्फ बना रही हूँ, अगर आपको दिक्कत फील हो तो आप किसी और का हेल्प भी ले सकते हो। तो इसमें एक डोनेट बन लगेगा आपको। तो चलिए हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्राउन एरिया के हेयर्स को इस तरीके से लेना है, यहाँ से इस तरीके से उठाना है बालों को गोलाई में पूरा आगे से पीछे तक। देखिए फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक दिखेगा एंड बैक से इस तरीके से। ओके, अब इसको अच्छे से कॉम करेंगे और एक पोनी बना लेंगे। अब इसको हाई पोनी एक बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से हेयर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपका हाई पोनी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाई पोनी बना लिया है। इसके बाद से आपको अपने बालों को इस तरीके से फ्रंट की तरफ ऐसे करना है। आप चाहो तो इसको खींच के भी कर सकते हो, इस तरीके से होल्ड कर लीजिए अपनी पोनी के बीच में और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे इस तरीके से। ओके, खींच के इसको टाइट कर लेंगे ताकि फ्रंट से जो आपका रबड़ बैंड है वो दिखे नहीं। उसके बाद से इस तरीके से लेके फिर यहाँ पे आपको नीचे में एक डोनेट बन लेना है और इसको यहाँ पे अच्छे से पिनअप कर लेना है ताकि आपका डोनेट बन अपनी जगह से सरके नहीं। अब आगे से जो आपके फ्रंट से हेयर आपने निकाले थे उसको अच्छे से फैलाते हुए डोनेट बन के ऊपर, और अगर आपके बहुत पतले बाल हैं तो कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा अगर डोनेट बन बीच से हेयर फट जाता है और दिखने लग जाता है तो आपको उस तरीके से करोगे तो कहीं से भी आपका डोनेट बन नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको डोनेट बन को हाइड करते हुए एकदम एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड लगा लेना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद से अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो ये हेयर जो आपके हैं इनको आप इस तरीके से अंदर की तरफ इंसर्ट करके और फिर जुड़ा पिन लगाओगे तो अगर कहीं से आपका डोनेट दिखता है तो वो इस ऐसे करने की वजह से हाइड हो जाएगा अच्छे से। ओके, अभी आपको क्या करना है, फ्रंट से आप चाहो तो साइड पार्टीशन भी रख सकते हो, चाहो तो मिडिल पार्टीशन भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन रख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा हेयर लेके आपको फ्रेंच ब्राइड बना लेना है। थोड़ा सा बालों का सेक्शन ले लेंगे पतला सा, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थोड़ा थोड़ा और सेक्शन लेते जाएंगे साथ साथ में और पूरा फ्रेंच ब्राइड फ्रंट से लेके बैक तक आपको बनाना है। ओके, इस तरीके से बनाओगे तो अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्लैट रहते हैं फ्रंट से तो वो भी अच्छे से आपके चोटियों के साथ पकड़ में आ जाएंगे एंड कहीं से बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो वो भी साथ साथ में आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हेवी बेबी हेयर्स हैं तो उसके लिए भी अभी एक टिप्स बताऊँगी, जैसे मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है, आप सिंपली वो ले सकते हो हेयर सेटिंग स्प्रे और अपने बालों का जो आपका हेयर दिख रहा है उसको हाइड कर सकते हो अच्छे से, मतलब अपने बालों के साथ उसको अच्छा सा मैनेज लुक दे सकते हो। अब इस तरीके से बनाते जाएंगे। ऊपर ऊपर करके बनाइएगा ताकि जो आपका जो आपने पार्टीशन की थी तो मांग निकल गई थी वो अच्छे से हाइड हो जाए।
हो सकता है कि आप अगर न्यू आपको हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती है तो हेयर स्टाइल बनाने में आपको दिक्कत होगा, तो आप किसी को ये वीडियो दिखा के और फिर ट्राई करना, तो अच्छे से बना लोगे। पूरा बैक से इसी तरीके से बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हर जगह से कैसे मैंने हेयर उठाए हैं, वो सब पता चले, अच्छे से दिखे आपको, इसलिए, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं आपने इतना फास्ट कर दिया वीडियो कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं किया है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो इस हेयर को, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाओगे तो आपके हेयर स्टाइल का लुक बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ आपको। इस तरीके से करते जाएंगे और फ्रंट तक बनाते हुए आएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो और अच्छे से दिख रहा हो कि कैसे बना रही हूँ मैं हेयर स्टाइल। मेरे हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ अच्छी लगती हो गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ऐसे ही। तो इस तरीके से मैंने पूरे हेयर्स ले लिए हैं, अब जितने भी हेयर बचे हुए हैं उनको सिंपली चोटी बना लेंगे। और जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमारा जो ब्राइड था वो पतला हो गया था, तो ये वाले चोटी के साथ ये मैनेज हो जाएगा। अब इसके एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे पतला वाला, ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए बाद में। अब आपको ये ब्राइड ऐसे लेके जानी है और जो आपने ये वाली चोटी बनाई हुई है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है हेयर का एंड पार्ट पूरा अच्छे से। यहाँ पे आपको बॉबी क्लिप्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूपिन बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हेयर स्टाइल आपका फिर अगर यूपिन यूज करोगे तो लूज पड़ जाएगा हेयर स्टाइल और खुल सकता है बाद में, इसलिए आप यहाँ पे बॉबी क्लिप्स या फिर इस टाइप की क्लिप्स जो मिलती हैं ये यूज कीजिएगा। और इस तरीके से लगाइए लगाइएगा जिससे जिससे कि आपका जो
पिन है वो दिखे नहीं। अब इसी तरीके से बैक से आप पिन को लगाते जाइएगा। तो ये हमारा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हेयर को मैं खींचूँगी जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा दिखे और थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम दिखे बालों का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से भी बेबी हेयर्स दिख रहे हैं आपको एक पतले दांतों वाली कॉम ले लेनी है। इस टाइप का कॉम ले लेना है, इसके ऊपर आपको सेटिंग स्प्रे लगा देना है और जहाँ से भी आपके हेयर दिख रहे हैं वहाँ से सिंपली इस तरीके से कॉम कर दो। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड आपका जो बेबी हेयर्स दिखते हैं उनको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि आपको पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियो देखने के लिए। और बैक में मेरा थोड़ा सा लग रहा था कि ये नीचे चला गया है, तो आप यहाँ से मैं इस तरीके से पिन एक पिन ऐड करूँगी और उसको अंदर अंदर हाइड कर दूँगी, पिन दिखे ना। कैसा लगा आप लोग को हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।